आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव जैतपुर विसाहट पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 35 किलोमीटर तो ब्लॉक से 15 किलोमीटर है। 2800 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की बागडोर उदयपाल सिंह संभाले हुए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। यह गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान उदयपाल सिंह और सचिव रवि कुमार के द्वारा स्कूलों में सौंदर्यकरण और सड़कों सहित भरपूर विकास देखने को मिल सकता है। 4 वर्ष में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और अभी भी क्या समस्याएं बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के जैतपुर विसाहट ग्राम पंचायत में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में अब तक करवाए? रास्ते, नालीकरण, शौचालय वगैरह, ओडीएफ हो गई ग्राम जी। हाँ, ओडीएफ हो गई और आवास भी। कितने आवास? 56 आवास बन चुके हैं अपनी पंचायत में जी। और सब कम्प्लीट है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह ये लगवाई है। डस्टबिन, कूड़ेदान लगवाए। डस्टबिन, कूड़ेदान। यहाँ पर जैसे केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इसका लाभ आपके गांव में सभी लोग ले पाए हैं? जी बिल्कुल, सभी को मिला है। जी, सभी को मिला। किसानों के खाते में सम्मान निधि का जो पैसा आ रहा है, कितने परसेंट लोगों का आ रहा है? धीरे धीरे आ रहा है, कुछ बाकी किसान रह गए हैं, धीरे धीरे उनके लिए आपकी कोशिश जारी है। मतलब जी प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ स्कूल में कार्यकल्प के अंतर्गत क्या क्या कार्य करवाए हैं? स्कूलों में टाइल्स वगैरह, ग्राउंड में टाइल्स वगैरह, पोताई, रंगाई पोताई, वो सब चल रहा है। अभी काम जारी है? जी हाँ, काम चल रहा है। 2 स्कूल कम्प्लीट हो चुके हैं। जी, 2 स्कूल कम्प्लीट हो गए, 2 पे काम चल रहा है। जी, 4 स्कूल हैं आपके? 4 स्कूल पंचायत में जी। यहाँ मिड डे मील वगैरह की जो फैसिलिटी है वो सही है? हाँ, बच्चों को सही समय पर खाना वगैरह सब मिलता है? आप देते हैं समय स्कूल में? समय से हर चीज। यहाँ सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा जैसे बारात घर, पंचायत भवन ये बने हुए हैं? नहीं है, नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी केंद्र है। खेल का मैदान? खेल का मैदान। अस्पताल? अस्पताल कितना दूर है? मुंडा पांडे 7 किलोमीटर। उससे पहले यहाँ कोई भी सामुदायिक केंद्र या अस्पताल कुछ भी नहीं? कोई नहीं। आपने कभी इसको लेकर के कोई मांग प्रस्ताव रखा है? जी हाँ, रखा है। क्या पंचायत वगैरह अभी कोई कार्रवाई मतलब हुई नहीं? जी, अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के बस यही अपना जैसा चल रहा है, पैसा वैसा जैसा आएगा बस गाँव में विकास में लगाता है। कितना मीटर रास्ता यहाँ अभी और कच्चा होगा? कच्चा रास्ता तो अभी मेरे हिसाब से 500 मीटर रास्ता। जी, 500 मीटर रास्ता। कितने परिवार यहाँ भी ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की जरूरत है? लगभग 70 जो मैंने बेसलाइन का उसका सूची बना के दी है मुख्यमंत्री आवास में, 70-71 नाम है। जो शमशान घाट, कब्रिस्तान ये बने हुए हैं, बाउंड्री वॉल वगैरह? जी नहीं, शमशान घाट। तो कितनी दूर आपको जाना पड़ता है? कोसी नदी के पास में 1.5 किलोमीटर गाँव से। अच्छा, मतलब बना हुआ नहीं है, आप केवल नदी के किनारे पर जो है इसका वो करते हैं? जी। तो इसके अलावा और कोई समस्या आपके गांव में ऐसी सामने आती है जिसके लिए आप चाहेंगे कि सरकार खास तौर से ध्यान दे? जी, सबसे पहले तो ये शमशान वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक पंचायत घर जहाँ कुछ भी बारात वगैरह, हमें बारात भी स्कूल हो गई, बारात घर, पंचायत भवन, इसके लिए भी आप चाहेंगे? जी जी, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इन 4 सालों में इनके द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसे खरंजे, सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, शौचालय से भी गांव ओडीएफ हो चुका है, कुछ लोगों को आवास भी यहाँ मिले हैं, स्कूल में काफी सौंदर्यकरण करवाया गया है और कुछ काम अभी भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जिनसे लोग आज भी जूझ रहे हैं, जैसे कि बारात घर, पंचायत भवन, इनका होना बहुत जरूरी है जिसके निर्माण के लिए प्रधान यहाँ मांग रखते हैं। सबसे प्रमुख समस्या यहाँ पर शमशान घाट के लिए प्रधान ने मांग रखी है, जिसका रास्ता बहुत ही कच्चा है, बरसात के दिनों में काफी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी मांगों को पूरा करें। अशरफ अली के साथ मनाजरीन, टुडे 24 से। क्या नाम आपका? विक्रम सैनी जी। विक्रम सैनी जी, बताइए 4 वर्षों में विकास को लेकर क्या करना चाहोगे? यहाँ पर रास्ते बहुत गड्ढे थे, अपना विकास कर दिए रास्ते। ग्राम प्रधान के काम से खुश हो? काम से बहुत खुश हूँ। बढ़िया काम है? अच्छा काम है सब। क्या नाम है आपका? प्रमोद सिंह। प्रमोद जी, ये बताइए, यहाँ 4 साल हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, जी इन 4 वर्षों में विकास को लेकर के क्या करना चाहोगे? विकास ऐसे बढ़िया हुआ है, गांव-गांव में भी खरंजे रहे हैं, नाली वगैरह भी बनी है और आवास विकास बनी है,
और ये लैट्रिन वगैरह ही बनी है, जो जिनकी की पहले बेकारी है वो भी दोबारा बनी है। जितने उम्मीदों के साथ आपने इन्हें प्रधान चुना था वो अपने उस पर खड़े उतर रहे हैं जी सर। आप कार्यकाल तो खुश हो इनके जी सर।